बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोढ़ी और आप देख पा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल समझने की बात यह है कि इस समय कर्नाटक के अंदर सबसे बड़ा राजनीतिक उठापटक चल रहा है। राजनीतिक इस उठापटक के बाद राजस्थान मध्य प्रदेश का भी नंबर आ सकता है, लेकिन कर्नाटक के अंदर आपको पता है कि जेडीएस कांग्रेस की सरकार इस समय मुसीबत में है। उनके 18 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने सरकार को समर्थन न देने की बात कर रहे हैं। वहीं पर आज बहुजन समाज पार्टी ने भी एक माइंड गेम खेला है। आखिर इस माइंड गेम का क्या मतलब है, ये तो स्पष्ट कल नहीं हो पाया, लेकिन आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती इसके पीछे का जो रणनीति है वो क्या हो सकती है। कल कोई कहीं लोगों से अपने जानने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा, बताया है कि बसपा सुप्रीमो मायावती कांग्रेस और जेडीएस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि क्या पता इस दबाव के चक्कर में कांग्रेस और जेडीएस अपनी सरकार बचाने के चक्कर में बसपा सुप्रीमो मायावती को उनके पार्टी के जो एकमात्र विधायक है एन महेश, उसको किसी बड़ा पद ऑफर कर दे, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी और पद की भी ऑफर कर सकते हैं। शायद बसपा सुप्रीमो मायावती इसी माइंड गेम के तहत उन्होंने अपनी पार्टी के इस विधायक को, जो कर्नाटक की जेडीएस सरकार है, कांग्रेस सरकार है, यानी जेडीएस कांग्रेस की जो सरकार का गठबंधन सरकार है, उसको समर्थन देने से इनकार कर दिया। जी, आपको बता दें बसपा सुप्रीमो मायावती के एकमात्र कर्नाटक में विधायक एन महेश अन्ना ने आज ANI सरकारी एजेंसी को अपना इंटरव्यू देते हुए या बयान देते हुए कहा है कि वो बसपा सुप्रीमो मायावती जी के आदेश के अनुसार सोमवार यानी कल सुबह जो होने वाला मॉक जो टेस्ट है, फ्लोर टेस्ट है विधानसभा के अंदर, स्पष्ट बहुमत अपना साबित करना है, बहुमत साबित करना है कुमार स्वामी की जेडीएस कांग्रेस सरकार को, उसके अंदर भाग नहीं लेंगे। और आपको बता दें कि पिछले 3 दिन से भी वो विधानसभा सत्रों के अंदर भाग नहीं ले रहे हैं। पिछले 3 दिन से सत्र के अंदर विश्वास पत्र पर चर्चा चल रही है, लेकिन उस दौरान वो भाग नहीं ले रहे हैं। आज महेश अन्ना ने ANI जो सरकारी न्यूज एजेंसी है उससे बातचीत करते हुए कहा कि मायावती जी ने हमें निर्देश दिया है कि आपको उस फ्लोर टेस्ट में नहीं जाना। अब आपको बताया कि फ्लोर टेस्ट ठीक पहले इस प्रकार के बयान देने से क्या जेडीएस कांग्रेस को बसपा सुप्रीमो मायावती झुकाकर अपने पक्ष में या अपनी शर्तें मनवाने के लिए झुका रही है, या फिर उनके पीछे की रणनीति कुछ और है, या बसपा सुप्रीमो मायावती किसी और पार्टी का गठबंधन, जो आपको पता है कि पहले भी कई बार बीजेपी के साथ गठबंधन सरकारें बन चुकी है, तो क्या मध्य प्रदेश, आपको पता है कि बीजेपी में भी 106 विधायकों की बात की जा रही है जबकि बीजेपी के पास 105 विधायक ही है। अब वो एकमात्र विधायक कौन सा होता है, क्या कांग्रेस को झुकाने की या बीजेपी को झुकाने की, अब ये किस तरफ बसपा का रुख है ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन क्या बसपा सुप्रीमो मायावती अपने एकमात्र विधायक को मुख्यमंत्री या गृह मंत्री जैसे बड़े ओहदे पर देखना चाहती है, या फिर बहुजन समाज पार्टी की जो दलित जनता है कर्नाटक की, उसको कोई बड़ा ऑफर पद देने की कोशिश में लगी हुई है। अगर वैसे तो एन जो महेश है उसको मुख्यमंत्री ने मंत्री बनाया था कर्नाटक की सरकार में, लेकिन उन्होंने कुछ दिनों बाद भी इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद लगातार कांग्रेस जेडीएस सरकार के कई विधायकों ने इस्तीफा देते देते पार्टी की आज ये हालत हो गई है कि उनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। ठीक ऐसा ही मसला मध्य प्रदेश और कर्नाटक राजस्थान में भी है, जहाँ पर इस प्रकार स्थितियां बनी हुई है। आपको बताया कि पिछले 2 महीने की बात करें तो कांग्रेस के करीब 50 यानी अर्धशतक लगाने वाले विधायकों ने पार्टी छोड़ने का काम कर लिया है, यानी 50 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं पिछले 2 महीने में कांग्रेस पार्टी के। अब बसपा सुप्रीमो मायावती कांग्रेस को मजबूर करना चाहती है या बीजेपी को, ये तो मॉकओवर टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर में इस फ्लोर टेस्ट के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती की क्या रणनीति थी। अगर बसपा सुप्रीमो मायावती इसी तरीके से कल उनका हकीकत में भाग नहीं लेता और सरकार गिर जाती है तो क्या रुख होगा, या सरकार को झुकाकर उनके पक्ष में वोटिंग करेंगे, ये तो महेश अन्ना के विधानसभा सत्र में भाग लेने या नहीं लेने के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन रणनीतिकार यही बता रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ये चाहती है कि किसी भी हालत में उनके एकमात्र विधायक को बड़ा पद मिले, चाहे गृह मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, या जिस बड़े लेवल की भागीदारी के लिए मुख्य उन्होंने इस तरीके का माइंड गेम खेला है ताकि कर्नाटक की दलित जनता को भी इंसाफ मिल सके। मिलेंगे किसी नए वीडियो नई भी अपडेट के साथ। अगर इस मामले से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आते हैं हम आपसे सबसे पहले रूबरू होंगे। तब तक आपसे लेते विदा, और आप हमारे पल पल की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल पर एक वेबसाइट हमने तैयार कर दी है, www.ambedkarpeoplesvoice.com की यह वेबसाइट है। इस लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।